हेलो फूडीज, जहाँ पे सभी लोग आजकल मोमोज, चिली पोटैटो एंड बर्गर बेच रहे हैं और ये कल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं ऑपोजिट में से एक सरदार जी हैं जो काफ़ी हेल्दी बर्गर्स एंड रैप बेच रहे हैं ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा हेल्दी खाना खिला सकें। तो आओ हम भी आपको ट्राई कराते हैं इनके बहुत ही एग्जॉटिक वेजिटेबल से बने हुए बर्गर्स एंड रैप। आ जाओ। तेल वगैरह कुछ यूज नहीं करते, अच्छा करते। ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करते, बस सोटे करते हैं और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से है। इसमें कोई तेल नहीं है। अच्छा, इसमें कोई तेल कोई ऑयल नहीं। अच्छा, नॉनस्टिक है अपना? नहीं, नॉनस्टिक की बात नहीं, मैं इसे टमाटर से ही पका देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक बार यार सरदार जी की स्पीड चेक करो यार, बंदा टमाटर नहीं काट पाता इतनी जल्दी जितनी गाजर काट रहे हैं। हां सर, एक साथ बन जाएगा ना। तो आओ जी सरदार जी से बात करते हैं जो यहाँ पे लोगों को तिलक नगर में काफी हेल्दी चीजें खिलाते हैं। तो सरदार जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। तो ये जो आप हेल्दी कंसेप्ट चालू कर रखा आपने, यहाँ पे आजकल लोग सब मोमोज और स्प्रिंग रोल और ये सब खाते हैं और बनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को, आपने ये कैसे सोचा कि ये सब स्टार्ट करें? कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा ना सर। अब जैसे ये सारी चीज़ें हेल्थ बढ़ा मतलब खराब करती है, मोमोज वगैरह। जी जी, तो जी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, पहले हेल्थ खराब करने का डॉक्टर रिकमेंड करे तो यहाँ आ जाओ। अरे सीधा पाजी के पास आ जाओ। तो अपने पास क्या क्या आइटम मिलता है हेल्दी में? बहुत सारे आइटम है। तो कुछ मैंने यहाँ पे एक मतलब दायरा बनाया है, जैसे कम सब्जियाँ खानी है बर्गर, थोड़ी ज़्यादा खानी है सैंडविच, थोड़ी और ज़्यादा खानी है कैसेडिया, सबसे ज़्यादा खानी है सैलेड। ओके। तो किसी ने मीडियम खानी है तो रैप ले सकता है। अच्छा, तो सबसे पॉपुलर आइटम अपना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर रैप बिकते हैं, हर तरीके के बिकते हैं, और गन पाउडर और एवोकाडो सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, और ये अपनी लोकेशन और टाइमिंग और बता दो एक बारी। लोकेशन बहुत इजी है यहाँ पे, ये 7 मंजिल मंदिर है पीछे आप देख ही सकते हैं जी, और ये फ्रूट मार्केट है बस उसी मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। तिलक नगर में ही पड़ेगा ये? 4 से 10:30। अच्छा, शाम को 4 से 10:30। और कोई छुट्टी? बुधवार। अच्छा, बुधवार को छुट्टी रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आओ हम भी ट्राई करते हैं इनका सरदार जी का कुछ हेल्दी सा, यहाँ पे हमेशा बनते रहता हूँ मैं, दिखा देता हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ऑयली जो है ऑलिव ऑयल यूज़ होता है और सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स यहाँ यूज़ होती हैं, नॉर्मल आपको कुछ नहीं मिलने वाला और काफ़ी साफ सुथरा कंसेप्ट है। तो हम भी कोई बढ़िया सा रैप बनवाते हैं। तो ये रैप भी आप देख सकते हैं भाई, ये सरदार जी कह रहे हैं कि आटा और चुकंदर मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, जूस होता है। अरे वाह, ये देखो भाई। तो अभी बनने जाएगा गन पाउडर वाला, और कौन सा बन रहा है? इसमें एवोकाडो है, गन पाउडर है, बारबेक्यू है, वेजिटेबल रैप है। अरे वाह, मतलब काफ़ी वैरायटी आपको मिलने वाली है, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या वैरायटी है इनके पास। तो ये तो देख लो आप, बर्गर्स में वैरायटी और सैंडविच में, ये हो गया पास्ता, और ये देख लो भाई सैलड्स हैं, और ये रैप्स हो गए। तो मेन्यू काफ़ी बड़ा है, आप कुछ भी ट्राई करो, यहाँ पे सब हेल्दी मिलने वाला आपको, अनहेल्दी कुछ नहीं होगा। रैप आ गए अपने, ये क्या चला गया? ये सॉर क्रीम है, बट बेस क्रीम होती है। अच्छा, ये लो जी लेटस आ गई हैं, ये आ गया सॉस है, ये अचार है, होममेड सॉस है ये। अच्छा, पेरी सॉरी। ये लो जी, ये आ गया एवोकाडो। कोई कंजूसी नहीं कर रहे। और तो एवोकाडो रैप का प्राइस करेगा 200 है भाई, पर ये क्या है कि वर्थ है क्योंकि सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है, सारी इंपोर्टेड वेजिटेबल्स इसमें डलती हैं और सुपर हेल्दी होती हैं। ये लो जी, सारी सॉटे करी हुई वेजिटेबल्स आ गई हैं। इसमें कौन कौन सी होती है एक बार बता दो सर। आप देख ही सकते हैं इसमें मोटे मोटे बेल पेपर्स हो गए, इसमें जुकीनी दोनों तरीके की हो गई, ओके, इसमें ब्रोकली हो गई, ब्रोकली हो गई, कुकुम्बर हो गया, टमाटो हो गया, अनियन हो गया, दो तरीके के लेटस हो गए। अरे मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जाने वाली हैं, फिलिंग होने वाला है। 350 ग्राम का होता है। अच्छा, 350 ग्राम का कम से कम खा लिया तो 250। ओके, ये रेड चिली सॉस है। अच्छा, रेड चिली आ गई है, ये आ गई ड्रेसिंग, गार्लिक ड्रेसिंग, गार्लिक, ये मस्टर्ड, ये लो जी ये आ गई मस्टर्ड, ये भी मस्टर्ड है, इनकी होममेड मस्टर्ड है ये, पेपर सॉस है, ये पेपर सॉस। अरे वाह भाई वाह,
हल्की हल्की कैचअप, थोड़ा सा टैंगीनेस के लिए। ये लो जी, ये भी मस्टर्ड है। मतलब तीन तरीके की सरदार जी के पास सिर्फ मस्टर्ड ही मस्टर्ड है। मस्टर्ड अच्छे होते खाने इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी आ गई है? ये मतलब पहली पहली सॉस की बनाई हुई है। अच्छा, ये आपने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट करके बना रखी है सारी चीज़ें? कोई भी मार्केट वाला ज़्यादातर सामान अवॉइड करें? मार्केट वाला है ताकि ख़राब ना हो जी। ये मेयो, ये आ गई जी मेयो। ये बारबेक्यू, थोड़ा बहुत अपने को भी पता यार, हम भी सब वे खाते रहते हैं। ये जो जी, ये लेटस आ गई है, ये चुकंदर आ गए हैं, स्प्राउट्स आ गई हैं। ये जी गन पाउडर आ गया। अच्छा, ये बेस्ट सेलिंग अपना गन पाउडर और एवोकाडो दोनों। ये लो जी, रोटी वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं कम से कम 290 ग्राम का करीब। अरे वाह, ये देखो यार।